तो अभी बंगलोर में हमारे इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने मैं गया था वहाँ उन्होंने विदाउट पावर ये बायोमास बायो वेस्ट से हाइड्रोजन बनाया है तो वो एक डॉलर आएगा तो अस्सी रुपये में हम लोग साढ़े चार सौ किलोमीटर चल पाएंगे तो लोगों में बहुत सस्ता होगा ट्रक बसेस कार स्कूटर और उसके बाद सबसे बड़ी बात ना हवाई जहाज़ बाद में हमारी केमिकल फैक्ट्री स्टील फैक्ट्री सब जगह पर हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करेंगे और मैं आपको बताता हूँ जो हाइड्रोजन मिशन हमारे सरकार ने तय किया है हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे ये हमारा आपने हवाई जहाज़ की बात की लोग कह रहे हैं कि आप तो हवाई जहाजों का धंधा ठप कर रहे हैं जो एक्सप्रेस बन रहे हैं अब दो घंटे में इधर चार घंटे में उधर <laughs> देखिए ये बात सही है कि अब इसी साल के अंदर में दिल्ली से देहरादून दो घंटे में होगा जयपुर भी दो घंटे में होगा तो चंडीगढ़ अमृतसर चार घंटे में होगा अब देखो यहाँ से एयरपोर्ट जाना एक घंटा एयरपोर्ट पे बैठना विमान में जाने के लिए एक घंटा वहाँ से जाने के लिए आधा पौन घंटा और वहाँ से घर जाने के लिए एक घंटा अब कौन जाएगा दिल्ली से डेहराडू नगर रोड से डायरेक्ट हम नया रोड बना रहे दो घंटे में जाएंगे हरिद्वार में दो घंटे में जाएंगे तो कोई जाएगा नहीं मुझे याद है मैं 95 2000 में जब मुंबई में मंत्री था तो जेट एयरवेज़ की आठ फ्लाइट मुंबई से पुणे के बीच में चलती थी और जब हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया अब अब तो बीस साल हो गए अब पुणे से मुंबई फ्लाइट बंद हो गई अब है तो इस पर इसका मतलब उनका नुकसान नहीं होगा वो देहरादून से हैदराबाद देहरादून से अहमदाबाद देहरादून से पुणे देहरादून से जयपुर तो दूर दूर की फ्लाइट और बढ़ेगी क्योंकि वहाँ बावीस परसेंट ग्रोथ है जो नज़दीक वाली है वही केवल बंद होगी तो ये आ, सरकार सड़क बनाती है या सड़क सरकार बनाती है <laughs> मुझे तो मालूम नहीं मैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में हम सड़क बनाने का काम कर रहे हैं और सड़क बनाने से मुझे लगता है कि हमारे देश में जहाँ सड़क बनती है वहाँ विश्वास होता है अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं तो मुझे मालूम ना एक दिन मुझे एक सज्जन हवाई जहाज़ में मिले और मेरे पैर छुए तुमला तो ऐसा क्यों कर रहे हो बोले मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया था जैसे आपने ये हम ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो उसके बाद में बोले मुझे दो ढाई हजार करोड़ का फ़ायदा हुआ और मेरी प्रॉपर्टी सब बढ़ गई और ज़मीन को भाव आया तो अभी ये दिल्ली की डेवलपमेंट और अच्छी बात आपको बताता हूँ मुझे पहली बार पता चला कि ये जो जैसे ये जिस रोड की मैंने उल्लेख किया कि 20 मिनट में हम आएंगे द्वारका ये जो चंडीगढ़ रोड वाले रोड से तो इसमें दोनों बाजू में इतने हमने छहत्तर किलोमीटर रोड बनाए एक्चुअल रोड है, है चौंतीस किलोमीटर का पर इसको जोड़ने वाले भी सब रोड बनाए इसके कारण दिल्ली की आने वाली डेवलपमेंट इसी बाजू में बहुत बड़े प्रमाण पर होगी और जिसके कारण निश्चित रूप से पोल्यूशन तो कम होगा ही पर प्लान डेवलपमेंट उस एरिया में होगी वो भी एक प्रकार से दिल्ली के लिए फ़ायदा होगा